हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणेश राम मामले में सुर्खियों में आई जमीन देखने पहुंचा प्रशासनिक अमला। बीते 72 घंटे में सरहदी बाड़मेर शहर में व्यवसायी गणेश राम की आत्महत्या के बाद उसके शव को रखकर प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे मृतक के परिजनों ने जिस जमीन की मांग की है उस जमीन को देखने के लिए बाड़मेर का प्रशासनिक अमला बुधवार देर शाम को मौके पर पहुंचा। बाड़मेर में कस्टम क्वार्टर्स के पास जोधपुर रोड पर स्थित ये वही भूखंड है जिसकी चर्चा हर तरफ है। गणेश राम के परिजन इन तीन भूखंडों को अपना बता रहे हैं। बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विशोई और नगर परिषद आयुक्त दिलीप पुनिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, बाड़मेर के उपखंड अधिकारी रोहित कुमार और तहसीलदार प्रेम सिंह ने अधिकारियों के दस्ते के साथ इन भूखंडों के दस्तावेज भी खंगाले। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने जागरूक टीवी से खास बातचीत में कहा कि मृतक के पिता की 9 बीघा जमीन इन भूखंडों के पास है। वहीं इन तीन भूखंडों की खुली नीलामी साल 2002 में नगर परिषद ने की थी। ये तीनों भूखंड मृतक के जमीन से बाहर है, बावजूद इसके मृतक द्वारा न्यायालय में इस नीलामी के खिलाफ वाद दायरा किया गया था जिस पर न्यायालय में साल 2010 में नगर परिषद के पक्ष में फैसला दिया। मृतक के अग्रिम न्यायालय में अपील के बाद वहां 2016 में नगर परिषद के खिलाफ फैसला हुआ। इन तीनों भूखंडों का वाद अब भी न्यायालय ने लंबित है। ऐसे में मृतक के परिजनों की इन भूखंडों को लेकर की जा रही मांग में न्यायालय का वाद पेच की तरह फंसा नजर आ रहा है। इन भूखंडों को लेकर चल रहे न्यायिक वाद की अगली पेशी 21 मई को है। बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त दिलीप पुनिया ने कहा कि मृतक की जमीन इस तीनों भूखंडों के पास है। नगर परिषद द्वारा इन भूखंडों की नीलामी के वक्त जमीन की पैमाइश कर नीलामी प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया था। एक तरफ जहां इन तीनों भूखंडों की मांग को लेकर गणेश राम का शव रखकर धरना 72 घंटों से जारी है, वहीं मामले में कई दौर की वार्ताओं का सिलसिला भी जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन मामले का हल किस तरह निकालता है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।